हेलो, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एशिया का, है ना, ये एशिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन पुल, जो कि है नेपाल में। नेपाल में कितना, अपने पीलीभीत से कितना है, पीलीभीत से मान के चलिए 50 से 60 किलोमीटर दूर है। बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसका व्यू देख लीजिए। बाकी यहाँ से अभी मैं पूरा दिखाता हूँ, इनसे मिल लीजिए। यहाँ अतुल, यहाँ से स्टार्ट होता है ये ब्रिज। ये है नेपाल के अंदर सस्पेंशन ब्रिज। इसका नाम क्या है अतुल वैसे? ये देखिए, यहाँ से ये ब्रिज के कुछ नज़ारे, वो उधर सामने जो दिख रहा है, यहाँ से दिखना मुश्किल है। वो है कौन सा ब्रिज? रोड ब्रिज ना, इस पर टर्मिनल रोड है। बाइक कार वगैरह उधर से, इधर से सिर्फ बाइक और पैदल जा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से ऐसा नज़ारा है इस ब्रिज का। ये हम लोग आ चुके हैं ब्रिज के बीच में। बाकी आप लोग देख लीजिए ब्रिज के बीच से कैसा नज़ारा है ये पूरा। देखिए, जितना दूर तक आपकी निगाह जा रही, सब में पानी ही पानी है। देखिए, थोड़ा पिक्सल फट चुके हैं इसके लिए। ये मैं अभी आगे तक जा रहा हूँ, अतुल ने मना कर दिया था आगे आने के लिए, वो थोड़ा फालतू लोगों के साथ रील वगैरह बना रहा है। तो मैं सोचा मैं थोड़ा घूम लूँ आगे तक, मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे तक। अच्छा, वैसे यहाँ अगर आप लोग आएंगे तो आपको थोड़ा शांति टाइप का यहाँ माहौल है, कोई भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है। मतलब शांति है पूरी एरिया में, कोई ऐसा नहीं कि शोर शराबा फालतू का, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम शांत एरिया है पूरा। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग आना चाहते हैं इस जगह पे, बिल्कुल आइए। लेकिन अगर आप इससे आगे जाना चाहते हैं, जैसे महेंद्र नगर हो गया और नेपाल काठमांडू वगैरह, तो फिर बाइक का वही डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो पहले जो भी फॉर्मेलिटी होती है नेपाल नेपाल बॉर्डर की तरफ से, वो आपको करानी होंगी। क्योंकि हम लोगों का यहाँ पास में पीलीभीत पड़ता है, तो यूपी बॉर्डर ही है। अभी वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, जहाँ से बॉर्डर से मैं आया था, मैं आपको दिखाता, गली चेंज करते ही नेपाल बॉर्डर स्टार्ट हो चुका था। वहाँ पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन वगैरह किए थे उन लोगों ने मेरे से, कि किस काम से जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। तो बाकी सब मैं आपको बताता हूँ। बाकी यहाँ के लोग बाइक तेज बहुत चलाते हैं भाई। बाकी मैं आपको दिखा दूँ सामने, अभी रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि अतुल आंटी लोगों के साथ उधर, वो सामने कहीं रील बना रहा है, वो सामने खड़ा है। देखिए, उन लोगों के साथ बाहर रील बना रहा है। देखिए, ये पुल, ये ब्रिज देखिए सामने से पूरा उतना। बाकी शायद मे भी ये 2 या 1.5 किलोमीटर का है पूरा पैच। यहाँ ब्रिज, ये ब्रिज वैसे आप यहाँ आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ की जो नज़ारे हैं, बाकी यहाँ से सनसेट और सनराइज़ बहुत अच्छा व्यू आता है, यहाँ से सनराइज़ और सनसेट का।
ये है मिडिल पॉइंट इस ब्रिज का। इधर से आगे उधर आप चले जाएंगे, ये मिडिल पॉइंट है जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ, ये पूरा मिडिल पॉइंट है यहाँ का। आगे ये थोड़ा टाउन एरिया है जो भी अभी यहाँ से देख नहीं रहा है, पूरा मंदिर वगैरह है उधर और बाकी और भी रेस्टोरेंट वगैरह हैं, लेकिन उधर मतलब गांव टाइप का ही है पूरा। और इधर आपको खाने पीने के भी ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ अच्छे से। और बाकी आप देख सकते हैं कि नदियाँ यहाँ, ये वैसे शारदा नहर है लेकिन नेपाल के लोग इसे काली नदी बोलते हैं, यहाँ ये काली नदी के नाम से फेमस है इस जगह पे नेपाल के, और हमारी इंडिया के अंदर इसको बोलते हैं शारदा, जो कि पूर्णागिरी मंदिर के पीछे से कहीं से निकलती है पहाड़ों से। और बाकी मैं आपको दिखाऊंगा और भी जगह हैं इधर, अभी चूका की तरफ जाएंगे वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कैसा क्या जंगल, जंगल का पूरा रास्ता है, अच्छे से एक्सप्लोर करते हुए आएंगे पूरा रास्ता। बाकी थोड़ा साउंड वगैरह आ रहा होगा, प्लीज़ मैनेज कर लेना यार थोड़ा सा। वैसे घूमने के लिए बजट फ्रेंडली है, अच्छी जगह है, कोई ज़्यादा यहाँ का वो नहीं है कि कोई ज़्यादा खर्चा होगा। बाकी आप लोग यहाँ आए तो खाने पीने के भी ऑप्शन बहुत से हैं, और बाकी और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके उनके लिए भी यहाँ नेपाल में सस्ता ऑप्शन मिल जाएगा। और ये खटीमा से अगर देखा जाए, जैसे अगर आप लोग खटीमा साइड से होके आ रहे हैं तो खटीमा से ये पड़ेगा आपको सही 5-7 किलोमीटर पूरा, और अगर उधर से आप पीलीभीत से आते हैं तो थोड़ा लंबा पड़ेगा क्योंकि आना एक ही जगह पे होता है जिसका नाम है मेला घाट या माल घाट, ऐसी कोई नाम है, वहाँ तक आना होता है, ठीक है। बाकी मैं आपको भी और दिखाता हूँ यहाँ से फ़ोटो, बीच में क्लिप वगैरह भी ऐड करूँगा। देख सकते हैं यहाँ का पूरा व्यू, करते हैं इस ब्रिज को बाय कहने का टाइम आ गया, तो उसे मिल लीजिए, काफी रील बनाई है अतुल ने आज, मिल लीजिए अतुल से, अतुल ने बहुत आज रील बनाई है यहाँ पे। बाकी आपको भी देखने को मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगा वहाँ का सारा, यहाँ का रील्स वगैरह जो भी फ़ोटोज़ वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। यहाँ से देखिए लकड़ी उकड़ी सारा बह बह के जा रही है, जंगलों की लकड़ी आ रही है पहाड़ से, ये लोग यहाँ खड़े लकड़ी निकालते हैं यहाँ पे ये लोग। वो खड़ी है साइड में हमारी बाइक नीचे, तो आप देख पा रहे हैं वो सामने हमारी बाइक खड़ी है, इंडियन नंबर प्लेट, हम हैं नेपाल में। ये कुछ इस तरीके का नज़ारा आता है इधर से, जिधर तक हमारी बाइक अलाउ है यहाँ से, ऐसा पूरा व्यू है। और ये हैं अतुल, मिलिए, थोड़ा काला आ रहा है, कोई बात नहीं, मैनेज करना। और ये पूरा रूट है, इधर से आप लोग उधर हाईवे पे भी निकल सकते हैं। बाकी अतुल जिसको छोड़ के, आंटी को छोड़ के आए थे, वो भी नेपाल से थे, नेपालगंज से, वो अभी भी रील बनाने में बिजी हैं। वो कहीं सामने वो जो छोटा छोटा ब्रिज दिख रहा है आपको, दो वहीं पे वो लोग रील बना रहे हैं, और हम लोग घूम के पूरा चले भी आए इधर। चलिए निकलते हैं अब हम लोग यहाँ से, बाकी दिखाते हैं अब अगली लोकेशन आपको,
जहाँ भी जाते हैं, जैसे मोस्ट कहाँ पे उसका क्या नाम है, मेला घाट नाम है क्या? हाँ मेला घाट। हाँ यहाँ से पहले हमको जाना होगा मेला घाट, वहाँ से जो रास्ता गई है हाँ मेला घाट से ही, मतलब थोड़ा सा आगे आगे अगर यूपी साइड से आप आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे यूपी और उत्तराखंड दोनों का बॉर्डर पड़ता है। अगर आप मेला घाट से अगर लेफ़्ट हो जाते हैं तो आप यूके साइड वाले बॉर्डर से आएंगे, और अगर राइट जाते हैं तो आप यूपी साइड बॉर्डर से आएंगे। बाकी बस ये इस ब्लॉग के लिए इतना रखते हैं, ये जल्दी आपको देखने को मिलेगा यहाँ का नज़ारा। इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, टिल देन बाय।